सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। कई विवादों के साथ टेक्निकल खामियों के चलते 11 सालों से खटाई में पड़े रहने वाले एरोली स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के कई बार उद्घाटन के बावजूद स्मारक का काम अब तक अधूरा है। स्मारक के इन्हीं अधूरे और जारी कामों का जायजा लेने आज फिर एक बार एरोली के विधायक गणेश नाइक ने एरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के साथ भेंट देकर यहाँ की स्थिति का जायजा लिया, जहां उनके साथ पूर्व महापौर सुधाकर सुनावणे, अनंत सुतार, मुख्य शहर अभियंता संजय देसाई, पदाधिकारी और अधिकारी आदि मौजूद रहे। गणेश नाइक ने विवादास्पद मगर अपने विधानसभा क्षेत्र के महत्वाकांक्षी प्रकल्पों में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के काम की गति पर जहां नाराजगी जाहिर की, वही काम के पूर्ण होने की संतुष्टि भी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यह उनकी संकल्पना और प्रथम विधायक संदीप नाइक के प्रयास का नतीजा है जो आज स्मारक के रूप में खड़ा हुआ है। गणेश नाइक ने कहा कि जब यहाँ खीला ठोकने की आवाज तक नहीं गूंजेगी और मजदूर नजर नहीं आएगा, तब उन्हें स्मारक के परिपूर्ण होने की खुशी होगी। देखिए, बात ऐसे काम स्लो चल रहा है लेकिन आगे चल के ठीक होगा ऐसा मुझे लग रहा है। बात ऐसी कि जो कॉन्सेप्ट था कि पूरे नागपुर के अलावा पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की याद सही पैमाने पे लोगों को हो जाए ऐसी कोई वास्तु नहीं थी, और इस ये वास्तु बने ऐसी हमारे सभी साथी लोगों की इच्छा थी, और उसमें तो मैं तो था ही, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने ये डिसाइड किया। इसके लिए बहुत सारी परमिशन का मसला पेंडिंग था, आहिस्ता आहिस्ता परमिशन ले ली, और शुरू में इसका उद्घाटन तो हो चुका था, शरद पवार साहब आए थे आपको याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी वास्तु बहुत बड़ी है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सभी जीवन के पहलू को इसमें समाने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा इरादा हमारा था। और उसके बाद में ये जिम्मेदारी तत्कालीन महापौर सुधाकर जी सोनाने को मैंने दी थी कि भाई सुधाकर जी इसमें पूरे रियलिस्टिक, कोई आर्टिफिशियल वातावरण न रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जो भी कुछ घटनाएं हुई उसके जो सही पिक्चर्स होंगे, फोटो होंगे, फिल्म होंगी, ये सब जनता के लिए यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। और सुधाकर सोनान जी ने इसमें बहुत सारी मेहनत करने के बाद अभी उसको अंतिम चरण में पूर्णत्व की ओर जा रहा है। अभी आपने कहा कि जैसे कि समाधान, कि समाधान तो जब मिलेगा कि इस वास्तु में कोई बाद में एक खिलाट ठोकने का भी आवाज़ नहीं आएगा, और जिस मकसद के लिए ये वास्तु बनाई है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी उसमें तो सभी धर्म जात पंथ वर्ण वर्ग के लोगों के लिए ये भूमि है, ऐसा उनका उद्देश्य था। तो ये वास्तु में भी सभी जो कुछ भी आए, कौन से भी धर्म का, जात का, पंथ का, कौन से भी देश का, तो उसको अपनापन की भावना यहाँ पे महसूस हो जाएगी, ऐसा प्रयत्न सभी हमारे टीम ने किया है। अभी आयुक्त तो बदल जाते हैं, राज्यकर्ता बदल जाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली बेसिक आइडिया वॉज प्लांटेड बाय गणेश नाइक ने एक भूमिका रखी थी,
बाद में मेरे साथी लोगों के माध्यम से और बाद में पूरे सभागार की इच्छा से इस वास्तु के लिए कोई डिवीजन नहीं हुआ, 100% ऑल पार्टी का सपोर्ट मिला है और वो अच्छी बात। मनपा चुनाव के मद्देनजर गत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों अधूरे निर्माण काम के बावजूद स्मारक का लोकार्पण किया गया। श्रेयवाद की इस राजनीति पर गणेश नाइक ने कहा कि जिसको श्रेय लेना है वह श्रेय ले, चाहे अपने नाम का डंका पीट ले, मगर मुझे इन चीजों में कोई भी रुचि नहीं है। बता दें कि स्मारक के लिए गणेश नाइक ने अपने स्थानीय विधायक विकास निधि से 50 लाख रुपए निधि का ऐलान भी किया था और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी मार्च 2022 तक यह स्मारक पूरी तरह खड़ा होगा। या वास्तुला पूर्णत्वाला फार उशीर झालेला आहे, या गोष्टीचा मला खेद वाटतो, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे हा जरी उशीर झाला असला तरी सुद्धा त्याचा ज्या गोष्टीचा शेवट गोड असतो ती गोष्ट गोड होते। मी साधारणपणे येत्या 4-5-6 महिन्यामध्ये याला पूर्णत्व यावं यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे। श्रेय कोणाला घ्यायचं आणि घ्यावं, कोणाला भेटी द्यायचं आणि भेटी द्याव्या, कोणी स्वतःच्या म्हणजे नावाचा डंका पिटवा त्यांनी डंका पिटवा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले की या देशामध्ये प्रत्येक माणूस समान आहे, राजा पण आता म्हणजे राजे होते ना, संस्थानिक म्हणजे खालसा झाली, अजून राजांचे वंशज आपल्या देशामध्ये आहेत, परंतु त्यांच्याकरता स्पेशल असा कायदा नाही आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना कायदा आहे तोच त्या सगळ्यांना कायदा आहे, आणि हाच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा मोठा विजय असं माझं म्हणणं आहे। ब्युरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।